डर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग कंपनी अकाउंट समझ में आए लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ ज्यादा डिटेल से आपसे गुफ्तगु नहीं की थी कि किस तरह से इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है लेकिन वट आई डिस्कस्ट इन माई प्रीवियस लेक्चर दैट वॉज ऑल अबाउट योर ऑनर्स एक ऑनर्स एकविटी ऑफ अ कंपनी स्टाइल ऑफ बिजनेस जिसमें मैंने आपको चंद बातें जो बताई थी वो ये थी कि वेन एवर समस्क यू अबाउट द ऑनर्स इक्विटी ऑफ अ कंपनी तो आप क्या कहेंगे कि उसमें जी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व होते हैं ठीक है और फिर रिजर्व क्या होते हैं जनाब रिजर्व तो प्रॉफिट होते हैं अच्छा जी वो प्रॉफिट कैसे होते हैं रिजर्व वो दो तरह के होते हैं एक कैपिटल रिजर्व और एक रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व क्या फर्क है जी दोनों में दोनों में फर्क है कि कैपिटल रिजर्व आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स एज कैश डिविडेंट whereas रेवेन्यू reserves आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ordinary shareholders as cash कैश डिविडेंड फिर उसके बाद प्रॉफिट्स के बारे में आपको बताया कि प्रॉफिट्स दो तरह के होते हैं एक रियलाइज प्रॉफिट्स और दूसरे अनरियलाइज प्रॉफिट्स रियलाइज प्रॉफिट्स वो जो के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हमें जो प्रॉफिट मिलता है उसमें से डिविडेंड दे चुकने के बाद उस प्रॉफिट की आगे ट्रांसफर टू रिजर्व्स वो तमाम के तमाम रियलाइज प्रॉफिट्स होते हैं और जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स विच वी गेट नॉट थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट बट दीज आर द प्रॉफिट्स व्हाट वी इंजॉय डायरेक्टली आइदर बायूंग शेयर कैपिटल एंटरप्राइज विच इज मोर देन इट्स फेस वैल्यू यानी कि शेयर प्रीमियम एंड बाय री वैल्यूइंग एसेट्स एट अ वैल्यू विच इज मोर देन इट्स बुक वैल्यू यानी कि रीवैल्यूशन सरप्लस तो ये दो वो प्रॉफिट थे जो कि हमने कहे के अनरियलाइज प्रॉफिट है तो जी अनियलाइज प्रॉफिट दोनों के दोने हमने कैपिटल रिजर्व में डाले थे और एक रियलाइज प्रॉफिट जो कि हमारा कैपिटल रिडम्शन रिजर्व था उसको हमने कैपिटल रिजर्व में शामिल किया था बाकी जितने रिजर्व हैं तमाम के तमाम हमने कहां रखे थे यस रेवेन्यू रिजर्व में ठीक है तो ये एक स्टोरी थी जो कि हमने सीखी थी हमारे प्रीवियस लेक्चर में ऑनर्स इक्विटी के रेफरेंस में और लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि मैंने चलते चलते आप पर एक बोझ डाला था यस दैट वाज अबाउट इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मैंने कहा था कि उसको आप याद करेंगे उसके फॉर्मेट को फेमिलियर होंगे उसके साथ और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी मजीद प्रैक्टिस करेंगे तो जी आज वो वादा पूरा करने का दिन है आज हमने इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखनी है कंपनी की बैलेंस शीट और इन बिटवीन इनके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की बातें भी करनी है तो जी सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं इनकम स्टेटमेंट के बारे में अब आप याद रखिएगा कि इनकम स्टेटमेंट को बनाने के लिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर वन आपको दो मेथड्स देता है यहां पर अब जरा आप लोगों को थोड़ी सी टेक्निकल बातें भी मैं साथ साथ समझाना शुरू करूंगा क्योंकि आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि जहां तक सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का तालुक था वहां पर कोई रेगुलेशन उनको रेगुलेट नहीं करती थी कि जी आपने किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है और जिस भी तरह से बना दी जाती थी उसमें वो रिजल्ट्स हमें मिलने चाहिए थे वो रिजल्ट्स हमें हासिल हो जाते थे हम कहते थे ओके okay, फाइन लेकिन फॉर कंपनी स्टाइल ऑफ बिजनेस यहां पर जो लेजिस्लेशन कहेगी और जो रेगुलेशन कहेगी हमें उसे फॉलो करना होगा वी हैव टू अबाइड बाय द रूल्स सेट बाय द रेजिस्टेशन और रेगुलेशन तो यहां पर आई एस वन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर वन विच इज अबाउट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो हमें कहता है कि आपने इनकम स्टेटमेंट जब बनानी है तो दो में से किसी एक फॉर्मेट पर आप बनाएंगे वो जो दो फॉर्मेट हैं वो कौन से हैं एक नेचर ऑफ एक्सपेंसिस मैथड और दूसरा है फंक्शन ऑफ एक्सपेंसेस मैथड एज फार एज नेचर ऑफ एक्सपेंस मैथड इज कंसर्न इसमें हम नेचर वाइज इनकम्स में से एक्सपेंसिस को लेस करके प्रॉफिट हासिल कर लेते हैं दिस इज नॉन एज नेचर ऑफ एक्सपेंसिस मैथड आपने आज तक इस फॉर्मेट पर इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाई हां इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपने इस फॉर्मेट पर बनाया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट याद कीजिए वो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आपने बनाया था उसमें तमाम इनकम्स आपने इकट्ठी कर ली थी रेवेन्यू आपकी जो नेचर की थी उन तमाम इनकम में से आपने तमाम एक्सपेंसिस इकट्ठे करके माइनस किए थे और फाइनली आपके पास सरप्लस आ गया था नेचर ऑफ एक्सपेंस मेथड ने आप इकट्ठा कर लें कि वो एक ही नेक्सम एक ही ने तो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसिस विल गिव यू द प्रोफिट बिजनेस एंटिटी में हम टोटल इनकम में से जब टोटल एक्सपेंसिस को लेस करेंगे तो वो प्रोफिट कहलाएगा वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी इसलिए उसे हम प्रॉफिट नहीं कहते थे उसे हम सरप्लस कहते थे बहरहाल हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करते हम एक बिजनेस एंटिटी ही की बात करते हैं तो बिजनेस एंटिटी में जब हम टोटल इनकम इकट्ठी और टोटल एक्सपेंसिस इकट्ठे करके इनको नेट ऑफ करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपको मैं इसका फॉर्मेट दिखाता हूं नेचर ऑफ एक्सपेंस मेथड का देखिए आपको नजर आ रहा है इसमें हमने टोटल इनकम्स जिसके अंदर हर तरह की रेवेन्यू एंड गेन्स आ जाती हैं, यानी कि हमारी सेल्स रेवेन्यू और अदर इनकम्स से मुतलक और प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट से मुतलिक और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स वगैरह जिस भी तरह की हमारी इनकम्स होंगी उनको आप इकट्ठा कर लेंगे ये आपको इनर कॉलम में इनका टोटल नजर आ रहा है अब एक्सपेंस की तरफ आते हैं एक्सपेंस में सबसे पहले आप चेंज इन इन्वेंट्री ले लेंगे चेंज इन इन्वेंट्री मीन्स के आपके ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री में क्या फर्क आया देखिये ओपनिंग इन्वेंट्री अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री से ज्यादा होगी तो डिफरेंस एक्सपेंस होगा क्योंकि ओपनिंग एक्सपेंस में प्लस होती है और अगर ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री से कम होगी यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जायद होगी तो एक्सपेंसिस में कमी वाक होगी अब ये इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट हम

तो आपके एक्सपेंसिस में से वो नेट फिगर माइनस होगी जितनी जायद है, ठीक है एनी ये आप फॉर्मेट की हद तक इसको समझ रहे हैं जब नुमेरिकल हम इसके करेंगे तो मजीद अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी नेक्स्ट देखते हैं रॉ मटेरियल जो परचेज किया वो इसमें आ जाएगा फिर जो भी हमने स्टाफ के लिए कॉस्ट इनकर की हमारी कोई डिप्रीसी हमारे किसी भी तरह के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस ये तमाम इसमें आ जाएंगे कोई इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह वो भी इसी इनर कॉलम में टोटल हो जाएंगे हत्या की हमने जो इनकम टैक्स के लिए एक्सपेंसेस किए हुए हैं वो भी हमारे नेचर ऑफ एक्सपेंस मेथड में इसी कॉलम में टोटल हो जाएंगे और हम इन सब का टोटल माइनस करेंगे टोटल इनकम में से एंड वी विल गेट प्रॉफिट की फाइनल फिगर जी अब हम फंक्शन मैथड के बारे में भी देख लेते हैं कि आई एस वन क्या कहता है इनफैक्ट आप लोग फंक्शन मैथड के मुताबिक इनकम स्टेटमेंट बनाने के माहिर हैं आपको मालूम है कि फंक्शन ऑफ एक्सपेंसेस मैथड के मुताबिक इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है क्योंकि आज तक आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई ही इस मेथड पर है फंक्शन वाइज हम एक्सपेंसिस को पांच हिस्सों में डिवाइड करते हैं नंबर वन कॉस्ट ऑफ सेल्स का एक्सपेंस नंबर टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नंबर थ्री सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जिसमें मार्केटिंग एक्सपेंसिस भी आ जाते हैं नंबर फोर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड नंबर फाइव इनकम टैक्स एक्सपेंसिस तो हम जिस इनकम स्टेटमेंट में जिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसिस के इन पांचों फंक्शन को अलग अलग शो कर रहे हो वो इनकम स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ एक्सपेंसिस मैथड बनाई जा रही होती है तो इसका मतलब है हम फंक्शन ऑफ एक्सपेंसिस मेथड के जरिए से ही इनकम स्टेटमेंट बनाते रहे हैं आज तक यह दरअसल ज्यादा एनालिटिकल होती है इसमें हम हर स्टेज पर प्रॉफिट मालूम कर रहे होते हैं लाइक like हम सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को जब लेस करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है अब उसके बाद हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिस माइनस कर रहे होते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है और ऑन प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में हम एड करते हैं अदर इनकम और माइनस करते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसिस तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है और जी उसमें से फाइनली हम पांचवा फंक्शन ऑफ एक्सपेंस यानी कि इनकम टैक्स को माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर आ जाती है ये हमारा इस साल का प्रॉफिट होता है जो कि अवेलेबल होता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑर्डनरी शेयर होल्डर्स एज डिविडेंट उसको हम लेकर जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर जरा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को भी अभी हम देख लें ताजा ताजा उसके बाद फिर प्रैक्टिस की तरफ मैंने आपको लेकर आना बहरहाल हमें अभी तक फंक्शन ऑफ एक्सपेंसिस मैथड और नेचर ऑफ एक्सपेंस मैथड ये दोनों मैथड मालूम हो गए जो कि आई ए के मुताबिक इनकम स्टेटमेंट बनाने के हैं अब मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के बारे में कुछ बताने लगा हूं फिलहाल जो मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी शो कर रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ और प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन से है अदरवाइज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी डिटेल्ड वो आपको मैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस के दौरान बताऊंगा तो यहां पर जो आपको इस वक्त नजर आ रही है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इसमें ओपनिंग बैलेंस आपका फॉरवर्ड हुआ हुआ है पिछले सालों के प्रॉफिट्स जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए थे ये वो वाला प्रॉफिट है इसमें आप प्लस कर रहे हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर जो कि आफ्टर टैक्स है आपका अभी इनकम स्टेटमेंट का जो रिजल्ट आपके सामने आया था वो वाला प्रॉफिट और अब आप माइनस करते हैं इसमें से डिविडेंड पेड और फिर आप माइनस करते हैं इसमें से ट्रांसफर टू रिजर्व तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट आ जाता है जो कि आपकी ओनर्स इक्विटी यानी कि रेवेन्यू रिजर्व में शामिल किया जाता है सो so, ये है आपके पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी रिलेटिंग टू द रिटेन अर्निंग्स इसकी भी आपको अभी मजीद अच्छी समझ आएगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं चाह रहा हूं कि आपको इस वक्त मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं जिसमें के मुख्तलिफ बातें आप प्रैक्टिस के जरिए से सीखें या वो नॉलेज जो कि प्रैक्टिस के, के जरिए से सीखा जाए ज्यादा परफेक्ट नॉलेज होता है तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के जरिए से हम इसको देखते हैं आपको इस वक्त एक ट्रायल बैलेंस नजर आ रहा है जी ये ट्रायल बैलेंस आपने उठाया है एक सिंपल लिमिटेड कंपनी का और यह ट्रायल बैलेंस 31 दिसंबर 2005 का मैंने आपको एक प्रैक्टिस करवानी है अभी ट्रायल बैलेंस को किस तरह से रीड किया जाए कि हमारी ट्रायल बैलेंस में मौजूद इंफॉर्मेशन ठीक इनकम स्टेटमेंट में पहुंचे याद रखिएगा हमारे पास पांच मेन हेड्स के अलावा छवा कोई मेन हेड नहीं है और वो पांच मेन हेड्स कौन से हैं एसेट्स एक्सपेंसेस इनकम्स ऑनर्स इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब एसेट्स और एक्सपेंसेस हमें ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर नजर आएंगे ऑनर्स इक्विटी लाइबिलिटीज एंड इनकम हमें ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर नजर आएंगे लिहाजा याद रखिएगा यह बात कि ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर मौजूद कोई भी इंफॉर्मेशन इनकम नहीं हो सकती ना ही लाइबिलिटी हो सकती है इन द सेम वे ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर मौजूद कोई भी इंफॉर्मेशन कैन नेवर बी टर्म एज एसेट और एक्सपेंस तो देखिए ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर आपको सेल्स नजर आ रही है 14,345 इसके बारे में आप ऑब्वियस हैं कि ये आपकी इनकम है अब नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस में जो इंफॉर्मेशन नजर आ रही है हमें वो ओपनिंग इन्वेंट्री की है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको परचेजेस मैन्युफैक्चरिंग वेजेस अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग वेजेस जो है ये आपके लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस किस फंक्शन से मुतलक है ये ये प्रोडक्शन एक्सपेंस है यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स से मुतक एक्सपेंस है तो हम इसको उस कैटेगरी में ले जाएंगे नेक्स्ट देखते हैं हमें यहां पर अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगेन ये कॉस्ट ऑफ सेल्स से मुतलिक आपका एक्सपेंस है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डेबिट साइड पर है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस डेबिट साइड पर है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट साइड पर है ओके okay, ऑब्वियस है ये सारी चीजें आपकी जो है एक्सपेंस ही की नेचर की है इंटरिम डिविडेंड पेड यह आपके लिए एक नई इंफॉर्मेशन है आज से पहले आपने कभी ट्रायल बैलेंस में यह इंफॉर्मेशन नहीं देखी थी लेकिन आपने ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स तो देखी थी तो मैंने आपको यह बात पहली बताई है कि डिविडेंड व्हाट यू पे टू द ओनर्स इज इनफैक्ट इक्वल टू द ड्राॅंग्स आपने सोल प्रोपर्टरशिप और पार्टनरशिप में ड्राइंग्स के बारे में जो बात पड़ी थी वही डिविडेंड के हवाले से आप जहन में रख लीजिए कि ड्यूरिंग ईयर मैनेजमेंट ने यह डिसीजन लिया कि ऑनर्स को इतने पैसे डिविडेंड की शक्ल में दे दिए जाए लिहाजा दे दिए गए तो ये एक्सपेंस नहीं है याद रखिएगा बड़ी जज्बाती हो जाने वाली बात है अगर आप इसको एक्सपेंस कहेंगे तो ड्रॉइंग्स कतन एक्सपेंस नहीं है इन द सेम वे डिविडेंड जो आप पे करते हैं ये भी कतन एक्सपेंस नहीं है एक्सपेंस के वही पांच फंक्शन कॉस्ट ऑफ सेल एडमन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंशियल एंड इनकम टैक्स यहां पर आके एक्सपेंस खत्म इसके आगे जो भी चीज है वो कतन एक्सपेंस नहीं है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है और इसको अगर आपने मेन हेड के साथ रिलेट करना है तो इसका मेन हेड ऑनर्स इक्विटी है जिसकी क्रेडिट नेचर है तो अगर ये यहां पर डेबिट साइड पर नजर आ रहा है तो इट मीन कि ऑनर्स इक्विटी में यस yes, कमी है इसकी वजह से ठीक है सो so, ये इन टर्म डिविडेंड इन टर्म का मतलब होता है मतलब टेम्पोरेली आपने अबूरी तौर पर ये डिविडेंड दे दिया कि अच्छा भाई इतना डिविडेंड आप लीजिए बाकी फाइनल डिसीजन हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में करेंगे कि आपको कितना डिविडेंड मिलना चाहिए सही तो ये इन डिविडेंड है फाइनल वन बट वी अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू आर शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग द ईयर तो ये इंफॉर्मेशन आपको ट्रायल बैलेंस में दी गई है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने ये डिविडेंड दिया था लिहाजा आप इसको ऑनर्स इक्विटी के लेवल पर ही रखेंगे एक्सपेंस नहीं कहेंगे और डिविडेंड के बारे में आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जहां पर ले जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में उसमें से माइनस किया जाता है तो ये डिविडेंड वहां पर आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन प्रॉफिट में से माइनस किया जाएगा क्लियर जी आगे चलते हैं हमें नेक्स्ट नजर आ रही है बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स डेबिट साइड पर है कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप कम अज कम इसको लाइबिलिटी या इनकम ना करार दीजिएगा इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आपको अगर कुछ नहीं समझ आ रहा कि इन्वेस्टमेंट क्या है किसने की है ओनर ने बिजनेस में की या बिजनेस ने बाहर की है तो आप सिर्फ ये देखिए कि ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर मौजूद है या क्रेडिट साइड पर मौजूद है इफ इट इज अपियरिंग इन डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस तो ये एसेट या एक्सपेंस है इसके अलावा कुछ नहीं है अब सोचिए कि क्या ये एसेट है या ये एक्सपेंस है भाई इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है तो एसेट ही होंगी देखो ये मैं उस लेवल पर आ रहा हूं जिस लेवल पर एक स्टूडेंट को सोचना चाहिए मैं कॉन्सेप्ट्स के लेवल की बात नहीं कर रहा इस वक्त मैं टिप्स की बात कर रहा हूं कि जो एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट में आपके जहन में फौरन स्ट्राइक करना चाहिए आप एक स्टूडेंट के नाते से आप इसको सोचेंगे अपने क्वेश्चन को ठीक सॉल्व करने के लिए कि ये इन्वेस्टमेंट ट्रायल बैलेंस की किस साइड पर अपीयर हो रही है okay, पर. क्योंकि अमूमन मैंने देखा है कि इन्वेस्टमेंट को स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कैपिटल के साथ वो कंफ्यूज कर लेते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट तो ओनर ने बिजनेस में की हुई है नहीं हरगिज नहीं दिस इज द इन्वेस्टमेंट विच द बिजनेस हैड मेड आउटसाइड द बिजनेस कहीं बाहर किसी और में इन्वेस्टमेंट की हुई है बाहर किसी के शेयर परचेज किए हुए हैं किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखवाया हुआ है या किसी की सिक्योरिटीज परचेज की हुई है और द बिजनेस आपने जो है है वहां पर है. Okay? So, पर इन्वेस्टमेंट की हुई ओके सो डेबिट साइड अब आप एक स्टूडेंट देखिए आप इसके कॉन्सेप्ट की तरफ मत जाइए अब आप सिर्फ स्टूडेंट बनकर अपनी बैलेंस शीट को टैली करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर चीज हो रही है या क्रेडिट साइड पर डेबिट साइड पर अपेयर हो रही है तो या एक्सपेंस होगी या एसेट होगी सोचिए क्या एक्सपेंस है या एसेट तो आपका जहन कहेगा कि नहीं इसको एसेट होना चाहिए एक्सपेंस तो वो होता है जो एक्सपायर हो जाए इसमें ऐसी कोई चीज नहीं दिख रही जो कि एक्सपायर हो सके ओके नॉन करंट एसेट एट कॉस्ट आप फेमिलियर हैं डेप्रीसिएशन आपको ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर नजर आ रही है अगेन यहां पर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं वो कहते हैं डिप्रीसिएशन तो एक्सपेंस है लिहाजा ये तो हमें ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर नजर आना चाहिए थी ये डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पर क्यों चली गई वो इस तरह से सोचना शुरू हो जाते हैं जबकि डिप्रीसिएशन अगर आपको ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर नजर आ रही है तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है ट्रायल बैलेंस को ठीक समझने वाला स्टूडेंट कभी गलत बैलेंस शीट नहीं बनाता अब ये डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर नजर आ रही है सोचिए ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर नजर आने वाली चीज इनकम है या लायबिलिटी है या ऑनर्स इक्विटी है ये वो बात है जो कि मैंने अभी आपको बताई लेकिन डेप्रीसिएशन ना इनकम है ना लाइबिलिटी है ना ही ऑनर्स इक्विटी की आइटम है हमने तो बचपन से आज तक यह पढ़ रखा है कि डेप्रीसिएशन इज एन एक्सपेंस ये ट्रायल बैलेंस में पर कैसे चला गया बड़ी परेशानी की बात है हमने कुछ ऐसी चीजें भी पढ़ रखी है जो कि इन पांचों मेन हेड्स में से किसी एक मेन हेड की कॉन्ट्रा होती हैं। कॉन्ट्रा मीन जो इफेक्ट्स को कैंसिल करती हैं। वो कौन कौन सी हैं? उनकी लिस्ट में अभी आपको दिखा देता हूं देखिएगा वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो सेल्स रिटर्न है वो परचेजेस रिटर्न है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं, और वो डिविडेंड्स या ड्राइंग्स के अगेंस्ट पेमेंट है इनको आप देख लीजिए ट्रायल बैलेंस में किस किस तरफ आ रही हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पर नजर आ रही है इसको अक्यूमुलेटिडियेशन भी कहते हैं पर चेजिज रिटर्न आपको दिस वी है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के बारे में भी आपको बड़ी अच्छी तरह से मालूम है इट इज कॉन्ट्रा टू फिक्स एसेट्स इसको फिक्स एसेट्स की कॉस्ट में से माइनस किया जाता है तभी तो ये क्रेडिट नेचर की एंड सेल्स रिटर्न ये सेल्स इनकम में से माइनस है सेल्स इनकम का रिटर्न है उसका कॉन्ट्रा है इसीलिए तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर हमेशा नजर आएगीउटफुल डेट इज इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट टू द रिसीवेबल्स तो वो जो कॉन्ट्राक्ट टू रिसीवेबल होगी वो क्रेडिट नेचर की होगी ना रिसीवेबल आर योर एसेट्स और जो एसेट्स हैं उनके कॉन्ट्रा अगर कोई चीज होगी तो वो डेफिनेटली क्रेडिट साइड पर ही मौजूद होगी ट्रायल बैलेंस के और फाइनली ड्राइंग्स या डिविडेंड्स ये हमेशा ऑनर्स इक्विटी में कमी का बायस बनती हैं लिहाजा ऑनर्स इक्विटी चूंकि क्रेडिट नेचर की है तो ये भले ऑनर्स इक्विटी ही के ग्रुप की मेंबर हैं लेकिन ड्राइंग्स एंड डिविडेंड्स हमेशा ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर अपियर होंगे आपको क्लियर होगी ये बात कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होंगी ट्रायल बैलेंस में जो कि हम कहेंगे तो सही कि इनका ग्रुप जो है वो डेबिट नेचर का है लेकिन वो चीज क्रेडिट नेचर नज़र क्रेडिट साइड पर नजर आ रही होगी या हम कहेंगे कि इनका ग्रुप जो है वो क्रेडिट नेचर का लेकिन वो चीज ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर नजर आ रही होगी सो so, वही बात है कि आपको अब आप इस सवाल के अंदर ट्रायल बैलेंस में मौजूद डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पर नजर आ रही है तो डेप्रीसिएशन की क्राइट साइड पर नजर आने का मतलब हर गिज हर गिज हर गिज ये नहीं है कि वो इनकम है या नाउस बिल्ला वो लायबिलिटी है ठीक है वो हमारे लिए कॉन्ट्राक्टूसट है ये बात क्लियर हो गई नेक्स्ट चलते हैं हमें नेक्स्ट नजर आ रही है एक प्री पेमेंट्स की इंफॉर्मेशन डेबिट साइड पर अब ये प्री पेमेंट्स दीज आर एसेट्स फॉर द बिजनेस हमने प्री पे किए हुए हैं पेमेंट इन एडवांस है डेबिट साइड पर नजर आने की सूरत में या तो ये एक्सपेंस हो सकती हैं या ये एसेट हो सकती हैं अब प्री पेमेंट मींस पेमेंट इन एडवांस एडवांस पेमेंट कभी भी हमारे लिए एक्सपेंस नहीं हो सकती क्योंकि एक्सपेंस की डेफिनेशन हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि एक्सपेंसिस मीन्स द एक्सपेंडिचर्स फॉर विच

लिहाजा प्री पेमेंट हमारे पास एसेट्स हैं नेक्स्ट देखते हैं स्टाफ लोन अगेन एक कंफ्यूजिंग बात हमारे दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि लोन लाइबिलिटी होता है नहीं लोन एसेट भी हो सकता है अब यह स्टाफ लोन ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर नजर आ रहा है तो डेबिट साइड पर नजर आने वाली चीज लाइबिलिटी हर गिज नहीं हो सकती लिहाजा आप स्टाफ लोन के बारे में आप सोचिए कि ये क्या चीज होगी ये हमने स्टाफ को कर्ज दिया हुआ है एक किस्म की एडवांस पेमेंट है एंप्लॉयज को अब वो जो लोन हमने पे किया हुआ है अपने एंप्लॉयज को उनसे या तो रिसीवेबल है फ्यूचर में या उनकी सैलरी के अगेंस्ट डिडक्शन हो जाएगी उस लोन के अगेंस्ट उनकी सैलरी में से यह हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा लिहाजा ये स्टाफ लोन हमारे लिए एसेट है एक्सपेंस नहीं है और ना ही लोन का लफज सुनकर हमने इसको लाइबिलिटी करार दे देना है ठीक है आए जी नेक्स्ट पे चलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट सीधी सी बात है हमारे लिए लाइबिलिटी होती हैं कोई कंफ्यूजन नहीं है एक्रूअल्स एक्रूअल्स ट्रायल बैलेंस की क्राइट साइड पर अपियर हो रही हैं अब यहां तो ये इनकम है या ऑनर्स इक्विटी है या ये लाइबिलिटी है इनकम वो जो हम अर्न करते हैं एक्रूअल्स तो ऐसी कोई चीज नहीं है क्राइट साइड पर अगर आपको नजर आ रही है accruals, तो ये आपके लिए लाइबिलिटी है एक्सपेंसिज पेबल हैं जो कि अभी तक हमने नहीं पे किए हुए ट्रायल बैलेंस में मौजूद हैं ये इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में मौजूद इंफॉर्मेशन का मतलब है लिखा हुआ तो इन एक्सपेंसिस डेबिट हो चुके हैं यह उनूवल्स का क्रेडिट है जो ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है लिहाजा इनको हम लाइबिलिटी करार देंगे नेक्स्ट आप देख रहे हैं डिबेंचर्स डिबेंचर्स में एक इंफॉर्मेशन साथ ही लिखी हुई रिडीमेबल इन 2009 थाउजेंड ये है हमारी लाइबिलिटी और 2009 में जाकर हमने इनको वापस करना है बहरहाल हमारी ये लाइबिलिटी है लॉन्ग टर्म है नॉन करंट लाइबिलिटी के तौर पर हम इसे बैलेंस शीट में शो करेंगे डिबेंचर्स क्या होते हैं लास्ट लेक्चर में भी इसका तस्करा हुआ था कंपनी पब्लिक से दो तरह से या दो शराय दो तरह की शराय पर पैसे ले सकती है एक पब्लिक को ओनर बनाते हुए पब्लिक से शेयर सर्टिफिकेट के अगेंस्ट पैसे ले और दूसरा पब्लिक को लेंडर बनाते हुए पब्लिक से डिवेंचर सर्टिफिकेट के अगेंस्ट रकम बोरो करे अब वो जो पब्लिक से रकम बोरो की जा रही है वो उस कंपनी के लिए लायबिलिटी है लिहाजा हम देखेंगे कि लायबिलिटी पेएबल विद इन द नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ है या लॉन्ग टर्म है वो हमें इसने बता दिया ट्रायल बैलेंस ने रिडीमेबल है 2009 में यह हम बना रहे हैं 2005 का ट्रायल बैलेंस 2005 में हमने जो डिवेंचर के अगेंस्ट पैसे लिए हैं वो 2009 में अगर रिडीमेबल है तो इट मींस कि ये हमारी नॉन करंट यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है ठीक है सो so, डिबेंचर्स आपको जब भी ट्रायल बैलेंस में या कहीं भी इंफॉर्मेशन के तौर पर मालूम हो तो डिबेंचर को आपने लाइबिलिटी के तौर पर ट्रीट करना है क्योंकि नॉर्म इसकी यह है कि डिबेंचर के अगेंस्ट आपने बोरो की भी होती है रकम हां जिस तरह से कि मैंने लोन के बारे में आपको बताया कि हम फौरी तौर पर उसको लाइबिलिटी ही तस्वर करते हैं डिबेंचर के हवाले से आप एक चीज देख लीजिएगा अगर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर लिखी हो तो इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर आपके लिए एसेट होगी और डेबिट साइड पर अपियर हो रही होगी सो so, अल्फाज को देखकर आपने फैसला नहीं करना बल्कि आपने उसकी नेचर देखनी है और ट्रायल बैलेंस की साइड देखनी है तो सिंपली डिबेंचर रिडीमेबल भी साथ लिखा हुआ है ना तो रिडीमेबल का मतलब क्या हुआ कि आपने इसके पैसे वापस करने हैं तो आपकी ये लाइबिलिटी बनी ओप्लीकेशन है ना लिहाजा ये आपको ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर अगर नजर आ रही है तो ये आपकी लाइबिलिटीज क्लियर डिवेंचर का concept clear? वैसे हमने के बारे में लेक्चर के अंदर भी बातचीत करनी है मजीद। लेकिन फिलहाल के reference में मैंने आपको ये बता दिया कि लॉन्ग टर्म लोन है ये बिजनेस के ऊपर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है जो बिजनेस ने पब्लिक से फाइनेंसिस हासिल की हैं। इस शर्त पर कि पब्लिक को कुछ अरसे के बाद यह पैसे वापस करेगा बिजनेस और साथ ही साथ उतना अरसा तक बिजनेस पब्लिक को इंटरेस्ट पे करता रहेगा उन फाइनेंसिस के अगेंस्ट रिटर्न के तौर पर आपको डिवेंचर की बात मैं इसलिए मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं ताकि डिवेंचर का फियर आपके जहन से निकल जाए अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं डिबेंचर ओ हो, हो नहीं डिबेंचर को जरा अच्छी तरह से समझ लो कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि लोन स्टॉक है आपने सर्टिफिकेट इशू किया है पब्लिक को और पब्लिक से आपने सरमाया लिया है जो कि आपने वापस कर देना शेयर कैपिटल के अगेंस्ट क्या होता था कि आपने पब्लिक को सर्टिफिकेट इशू किया होता था पब्लिक से सरमाया लिया होता था वो वापस नहीं करना आपने डिेंचर के अगेंस्ट जो सुनवाई लिया है वो वापस कर देना है तो डिवेंचर रिडीमेबल है शेयर कैपिटल इन रिडीमेबल है ठीक है शेयर कैपिटल के अगेंस्ट आपने पैसे वापस नहीं करने और के अगेंस्ट आपने रकम पांच साल दस साल साल कुछ भी उसका एक टाइम पीरियड हो सकता है उतने अरसे के बाद पब्लिक को वापस कर देनी है ठीक होगी बात ले जी ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट देखते हैं हमें शेयर कैपिटल नजर आ रहा है क्रेडिट साइड पर शेयर प्रीमियम नजर आ रहा है क्रेडिट साइड पर और रिटेन प्रॉफिट नजर आ रहा है हमारे पास जो कि इस साल के शुरू की अमाउंट है 1132 यानी कि ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट है हमें कुछ मजीद इंफॉर्मेशन भी इस सवाल में नजर आ रही है जैसा कि नॉर्मली ट्रायल बैलेंस के एंड पर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट के तौर पर दिया होता है कि जी इसको एडजस्ट करना है आपको यहां पर भी क्लोजिंग स्टॉक की फिगर नजर आ रही है इनकम टैक्स चार्ज की एक एस्टिमेटेड अमाउंट नजर आ रही है कि ये इनकम टैक्स एक्सपेंस हमारा इस साल से मुतक हमने एस्टिमेट किया है जो कि हमारी लाइबिलिटी है इसकी अकाउंटिंग में आपको बता दूंगा और इन टर्म डिविडेंड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताई हुई है कि 45 पैसा पर शेयर हमने पे कर दिया और फाइनल डिविडेंड 75 पैसा पर शेयर हमने प्रपोज किया और मजीद ये इंफॉर्मेशन के हमने 600,000 हंड्रेड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर किए हैं उसकी अभी अकाउंटिंग करनी है हाँ अलबत् हमें लास्ट में बताया जा रहा है कि रूटीन एडजस्टमेंट्स हम कर चुके हैं उनकी अकाउंटिंग हम लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड कर चुके हैं जिसमें के डेप्रिसिएशन आ जाती हैं एक्रूड एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं बैड डेट्स की प्रोविजंस आ जाती हैं यहां पर आपको दो तीन बातें नई मिली हैं जो कि आज से पहले आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई उसमें इनकम टैक्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिस आई टेल यू फिर डिडेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और फिर ट्रांसफर टू रिजर्व की बातचीत इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इनकम स्टेटमेंट किस तरह से बनाई जाएगी आपने इस इनकम स्टेटमेंट को बनाते हुए जिस तरह से कि मैं अभी आपको स्लाइड पर शो करूंगा उस दौरान में इस क्वेश्चन को अपने पास जरूर मौजूद रखना है ये क्वेश्चन हैंड ऑट्स की शक्ल में आपके पास मौजूद है वो पेज ओपन कर लीजिए और एक एक स्टेप को आप देखते चले जाइए जहां पर मैं समझूंगा कि आपको कोई बहुत ज्यादा डिटेल्स रिक्वायर्ड नहीं है वहां पर मैं बात को जल्दी से आगे गुजार दूंगा लाइक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को मैं डिटेल से नहीं समझाऊंगा आप माशाल्लाह से अच्छी तरह से समझते हैं कि सोल्ड किस तरह से कैलकुलेट होती है हाँ जहां पर लाइक इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट है उनको मैं डिटेल बिफोर टैक्स तक पहुंचिए इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इनकम टैक्स एक्सपेंस को लेस किया जा रहा है जो कि एट सेवेंटी नाइन थाउजेंड रुपीज के आप जरा अपनी एडजस्टमेंट को निकालिए एडजस्टमेंट में भी आपने देखा था कि हमें इनकम टैक्स एक्सपेंस के बारे में बताया हुआ था कि हमने एस्टीमेट किया है एट लैख सेवेंटी नाइन थाउजेंड इस साल का इनकम टैक्स एक्सपेंस होगा ये वही अमाउंट है उसकी आप इस वक्त अकाउंटिंग एंट्री देख रहे हैं इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट एंड प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट ये जो इनकम टैक्स एक्सपेंस है इसका डेबिट एक्सपेंस के तौर तो पर आपको इस वक्त इनकम स्टेटमेंट में नजर आ रहा है ये एक्सपेंस है इसलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर में से माइनस हो रहा है और हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2.424 मिलियन नजर आ रहा है और यही इनकम टैक्स की प्रोविजन जो है एट लैख सेवेंटी नाइन थाउजेंड इसको आप अपनी करंट लाइबिलिटीज में देख सकते हैं इस वक्त आइए जी करंट लाइबिलिटीज का पोर्शन देखते हैं उसमें हमें एट लैख सेवेंटी नाइन थाउजेंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की अमाउंट नजर आ रही है सो so, ये एडजस्टमेंट तो हमें समझ आ गई कि किस तरह से हमारी इनकम स्टेटमेंट को और बैलेंस शीट को अफेक्ट कर रही है अब मजीद कुछ एडजस्टमेंट्स आपको नजर आ रही हैं। इन एडजस्टमेंट्स में अब इन टर्म डिविडेंट के बारे में उसने कुछ बात की हुई है और ट्रांसफर टू रिजर्व की बात की हुई है इन टर्म हमें ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है वो ट्रायल बैलेंस में मौजूद 900 हंड्रेड रुपीज का इन टर्म डिविडेंट जिसको कि मैंने कहा था कि हमारे लिए ड्राइंग्स के इक्विलेंट है, उसको हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस करना है और ट्रांसफर टू रिजर्व भी आपको मैंने समझाया हुआ है कि वहीं से हमने माइनस करके रिजर्व को ट्रांसफर करना होता है यहां पर अब आप जरा देख लीजिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में यहां ये डिटेल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपको इस वक्त नजर आ रही है उसमें डिविडेंड आपने कौन सा माइनस किया है जो पेड है 45 पैसा पर शेयर के हिसाब से 900,000 हंड्रेड का डिविडेंड वो आपने माइनस कर दिया पेबल डिविडेंड जो 75 पैसा पर शेयर के हिसाब से प्रोपोज किया है उसकी अकाउंटिंग नहीं करनी क्यों नहीं करनी ये यह इनशाला आपको डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा प्रपोज डिविडेंड की अकाउंटिंग क्यों नहीं की फिलहाल आप मुझ पर ईमान ले आए कि मैं आपको ठीक बता रहा हूं कि आपने प्रपोज डिविडेंड की अकाउंटिंग नहीं करनी ओके ये ईमान का रिश्ता जरूरी है टीचर और स्टूडेंट के दरम्यान हाँ जो पेड डिविडेंड है वो हमने अकाउंट फॉर कर लिया अब नेक्स्ट जो हमें एडजस्टमेंट में ट्रांसफर टू रिजर्व की बात इस वक्त नजर आ रही है कि जी हमने ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व करना है 600,000 वो आप देखिए किस तरह से आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में अकाउंट फॉर होता हुआ नजर आ रहा है मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट को सेट साइड किया जाता है जब भी हम रिजर्व क्रिएट कर रहे होते हैं तो देखिए प्रॉफिट में से आप सिक्स हंड्रेड थाउजेंड रुपीज माइनस कर रहे हैं और आप डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में उसको शामिल कर रहे हैं तो प्रॉफिट में कमी और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में उसका इजाफा यह शो कर रहा है कि हमारी टोटल इक्विटी में कोई फर्क नहीं पड़ा हाँ अलबत्ता जो नाइन हंड्रेड रुपीज यहां पर मैं अगर 100 कह दूं या 100,000 कह दूं तो उसे जरा आप समझ लीजिएगा क्योंकि आप ऊपर देखिए रुपीस इन थाउजेंड लिखे हुए तो इस रुपीस इन थाउजेंड को अगर मैं 900,000 पूरा बोल दूं कभी या सिर्फ 900 बोलूं तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना ठीक है तो ये 900,000 हंड्रेड का इन डिविडेंड जो पे किया वो माइनस हुआ और उसके बाद सिक्स हंड्रेड का जो हमने ट्रांसफर टू रिजर्व किया वो दोनों प्रॉफिट के कॉलम में नजर आ रहे हैं लेकिन टोटल में सिर्फ नाइन हंड्रेड थाउजेंड रुपीज माइनस होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि वो जो टोटल ओनर्स इक्विटी का कॉलम है उसके अंदर जब ट्रांसफर टू रिजर्व होता है एक ओनर्स इक्विटी के कॉलम में कमी हो रही है तो दूसरे ओनर्स इक्विटी के कॉलम में इंक्रीज हो रही है इसलिए टोटल ओनर्स इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा अब जनाब हमारे पास जितनी एडजस्टमेंट्स थी वो अकाउंट फॉर हो चुकी बाकी सिंपल इसके की बात है आप एक नजर मुकम्मल इनकम स्टेटमेंट को देख लीजिए कि इसमें अब हमें कोई नई बात नजर नहीं आ रही फिर आप बैलेंस शीट को भी एक नजर देख लीजिए कि बैलेंस शीट में टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स यू आर फेमिलियर किसी तरह से करते हैं इन्वेंट्री ट्रेड रिसबल्स उसमें से ट्रेड रिशिबल्स प्रीपेमेंट्स कैश सारी बातें आसान है ऑनर्स इक्विटी का टोटल जो है ये आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से उठाया थ्री थाउजेंड फोर जीरो सिक्स लिहाजा ये वहां से फिकर आ गई और उसके अलावा नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लायाबिलिटीज की डिटेल इन अवे हमने बैलेंस शीट बाकायदा नहीं बनाना सीखी इस वक्त ना ही इनकम स्टेटमेंट को बाकायदा बनाया ना ही स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को बाकायदा बनाया मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस को रीड करना सिखाया और फिर उस ट्रायल बैलेंस के अलावा जो एडजस्टमेंट्स आपके लिए नई थी उन एडजस्टमेंट्स की अकाउंटिंग सिखाई है काम आपके ऊपर मैंने छोड़ा है इसको कंप्लीट करना कि आपने कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट खुद से बनानी है बैलेंस शीट खुद से बनानी है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी खुद से बनानी है मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन को आप डेबिट या क्रेडिट करेंगे इनकम स्टेटमेंट में या बैलेंस शीट के अंदर ठीक है हाँ, एक बात की तरफ मैं थोड़ा सा आपको मजीद डिटेल से ले जाना चाह रहा हूं वो है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की बात अभी तक हमने जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने रिटेन प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस उसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को शामिल किया और फिर डिविडेंड को माइनस किया था और ट्रांसपोर्ट रिजर्व को माइनस करके हमने क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट कैलकुलेट किया था अभी तक मैंने आपको यही बताई हुई थी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी लेकिन अभी जो मैंने स्लाइड इससे पहले दिखाई आपको उसमें मैंने मजीद भी इंफॉर्मेशन शामिल कर ली थी आपको मालूम है कि ऑनर्स इक्विटी में दो बातें हैं कौन सी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व और रिजर्व फर्दर डिटेल उनकी मौजूद है के जी शेयर प्रीमियम भी उसमें आ जाता है रीवैल्यूएशन रिजर्व भी उसमें आ जाता है कैपिटल इंडमशन रिजर्व भी उसमें आ जाता है फिर उसके बाद यस जनरल रिजर्व भी उसमें आ जाता है और रिटेन प्रॉफिट भी उसमें आ जाता है जबकि हम अभी तक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के बारे में सिर्फ और सिर्फ रिटेन प्रॉफिट के कॉलम को ही देख रहे थे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाते वक्त मैंने जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी खाई उसमें तमाम इक्विटी की आइटम्स हमने कॉलम्स में ले ली एक मतलब दोबारा देख लीजिए इसमें हमने शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस भी लिखा है शेयर प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस भी लिखा है उसके बाद हमारे पास जो भी रिजर्व्स हैं उनके ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिए कैपिटल रिजर्व पहले से मौजूद नहीं था इसलिए उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा चूंकि इस साल क्रिएट करना था इसलिए उसका कॉलम क्रिएट कर लिया हमने और फिर रिटेन प्रॉफिट का आपको कॉलम नजर आ रहा है उसमें ओपनिंग बैलेंस मौजूद है और टोटल फिर इन तमाम कॉलम्स का आपको नजर आ रहा है अब इस क्वेश्चन के अंदर ये एक सिंपल क्वेश्चन है मजीद किसी इक्विटी आइटम में मूवमेंट नहीं है सिवाय रिटेन प्रॉफिट के तो वो रिटेन प्रॉफिट की मूवमेंट आपको नजर आ गई और हां रिटेन प्रॉफिट में से आपको एक रिजर्व क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है जो कि आपको कैपिटल रिजर्व के कॉलम में एड होता हुआ नजर आ रहा है लिहाजा अब आप इस कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को देखिए इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस से लेके क्लोजिंग बैलेंस तक जो जो मूवमेंट होगी वो हम शामिल करते चले जाएंगे और फिर फाइनली हमारे पास इनके क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे उन फाइनल क्लोजिंग बैलेंसेस को टोटल करके हम बैलेंस शीट में लिख देंगे यह है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नेक्स्ट इन ताला लेक्चर में मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को मजीद कॉम्प्लेक्स करके पेश करना जिसमें हमारे राइट right इशू की बात भी आएगी और एक बोनस इशू भी हुआ करता है उसकी बात भी आएगी और इसके अलावा रिजर्व की मूवमेंट्स की बातें भी आएंगी तो तब तक आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना इसके अलावा भी चंद क्वेश्चन आपके हैंड आउट में मौजूद हैं उनकी भी आप बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपको बहुत अच्छा समझ आए मुझे अब आप इजाजत दीजिए नेक्स्ट लेक्चर में नए जज्बे और वलवले के साथ मुलाकात होगी हाफिज़